कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच, इलाज के साथ ही दवाओं का प्रबंध करने को भी कहा गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पर सर्वेलेंस बढ़ा दें, और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। सर, स्पेसिफिकेशन या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं, इस प्रकार का कुछ।